जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे महाराष्ट्र प्रीमियर लीग T20 मैच की, जो कि दोस्तों ये मुकाबला पीबी बनाम ENT के बीच दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा। इसमें फैंटेसी टिप्स क्या हैं, पिच रिपोर्ट कैसे है, टीम में कोई अपडेट तो नहीं है, आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करता हूं फ्रेंड्स दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों पीवी से रुतराज गायकवाड़, हरस संघवी, पवन शाह, सचिन बोसेल, यश क्रिसागर, सूरज सिंधे, रोहन डैम, अद्वय सिंधे, शुभम कोतरी, पीयूष सलवी एंड आदित्य दवारे। दोस्तों अभी प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि पीवी की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ENT की प्लेइंग 11 की। राहुल त्रिपाठी, एच कदीवाले, धनराज सिंधे, कौशल तांबे, सीदेश बीर, मंदर बंधरी, अरसिन, ऋषभ करवा, अक्षय वायकार, पी सोलंकी एंड इजाद साई। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि ENT की प्लेइंग 11 है। बात करता हूँ फ्रेंड्स वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की। तो बता दूँ दोस्तों ये मुकाबला 19 जून मंडे को ये मुकाबला दोस्तों 8 बजे से रात को महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे इंडिया में दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा। बात करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ की पिच रिपोर्ट की। बॉलिंग पिच अभी तक टोटल यहाँ 3 मैचेस हुए हैं, जो कि बैटिंग पहले करने वालों ने 1 मुकाबला जीता है एंड बॉलिंग पहले करने वालों ने 2 मुकाबले जीते हैं फ्रेंड्स। जो एवरेज स्कोर आया है वो 153 रहा है फ्रेंड्स। वेदर रिपोर्ट की बात करूँ दोस्तों यहाँ का जो टेम्परेचर रहने वाला अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला जिस दिन मैच होगा एंड 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा। बात करता हूँ फ्रेंड्स स्टेडियम के अभी तक की स्कोर रिकॉर्ड की। तो दोस्तों टोटल मैच 3 हुए हैं, जो कि बैटिंग पहले करने वालों ने 1 मुकाबला जीता है एंड बॉलिंग पहले करने वालों ने 2 मुकाबला जीता है फ्रेंड्स। फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर आया है वो दोस्तों 153 रहा है एंड सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 128 रहा है फ्रेंड्स। हाइएस्ट टोटल अभी तक का स्टेडियम का रिकॉर्ड रहा है वो दोस्तों 201 6 विकेट के साथ रहा है। लोवेस्ट टोटल 101 रन 10 विकेट के साथ। हाईएस्ट चेज जो स्कोर हुआ है वो 158 5 विकेट के साथ हुआ है। लोवेस्ट वेंडेड 201 रन 6 विकेट के साथ। ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की बात करता हूँ तो दोस्तों पीवी जो कि गुड फॉर्म में है रिसेंट मैचेस में, इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे फ्रेंड्स। तो अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा पीवी के प्लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। बात करता हूँ टॉस प्रेडिक्शन की, आज का टॉस कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन। आज का टॉस ENT टॉस जीत सकती है एंड पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है फ्रेंड्स। बात करता हूँ मैक्स एक्सपर्ट एडवाइस की। तो दोस्तों पवन शाह को एज ए स्मॉल लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर रहे हो सकते हो एंड पीयूष सलवी को दोस्तों एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे दोनों खिलाड़ी एज ए स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग। दोस्तों एड टू एड की बात करूँ फ्रेंड्स तो दोनों टीमों के बीच एक भी एड टू एड मुकाबला नहीं हुआ है। बात करता हूँ मैं लाइव टेलीकास्ट की, तो आप फैन कोड पर लाइव टेलीकास्ट देख रहे सकते हो फ्रेंड्स। पॉइंट टेबल की बात करूँ दोस्तों पहले स्थान पर ENT है, जो कि दोस्तों 2 मुकाबले में से दोनों मुकाबला विन किया है एंड PV जो कि 2 मुकाबले में से दोनों मुकाबला विन किया है फ्रेंड्स। फैंटेसी टिप्स की बात करता हूँ फ्रेंड्स तो टॉप ऑर्डर बैटर आप पिक कर सकते हो, डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग रहा है उनके विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे फ्रेंड्स, तो आप उनको भी अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए। विकेट कीपर में दोनों सही है, आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो। बात करता हूँ फ्रेंड्स पेसर्स का इस पिच पर ज़्यादा ओवर रहने वाला है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करूँ फ्रेंड्स विनिंग प्रेडिक्शन की, तो दोस्तों पीवी जो कि दोस्तों ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज अ ENT टीम से, जो अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं वो दोस्तों आप पीवी की अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। बात करता हूँ कुछ खिलाड़ी जो कि दोस्तों पीवी के हैं जिनको अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए। रुतराज गायकवाड़, हर्ष संघवी, पवन शाह, रोहन डैम, अद्वय सिंधे एंड पीयूष सलवी। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 के मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि पीवी के मुख्य खिलाड़ी हैं। बात करता हूँ फ्रेंड्स कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि ENT के हैं। राहुल त्रिपाठी, एस कादीवाले, धर्राज सिंधे, अरसिन कुलकर्णी एंड अक्षय वलिका। दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि ENT के मुख्य खिलाड़ी हैं। बात करता हूँ फ्रेंड्स बेस्ट परफॉर्मर जो कि दोस्तों पीवी की तरफ से रहे हैं, रुतराज गायकवाड़, हर्ष संघवी, पवन शाह, सचिन बोस, यस क्रिसागर। दोस्तों आप ये बेस्ट ओवरऑल देख सकते हो जो कि पीवी की तरफ से बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं फ्रेंड्स। बात करता हूँ फ्रेंड्स बेस्ट ओवरऑल जो कि अभी तक ENT की तरफ से रहे हैं, राहुल त्रिपाठी, एस कादीवाल, धर्राज सिंधे,
कुशल तांबे एंड सिद्धेश वीर। दोस्तों आप ये बेस्ट परफॉर्मर देख सकते हो जो कि ईएनटी की तरफ से बेस्ट ऑनर रहे हैं। बात करता हूँ फ्रेंड्स कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की, तो दोस्तों रुतराज गायकवाड़ को एज ए स्मॉल लीग में आप वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो एंड पवन साह को एज ए कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। धर्राज शिंदे एज ए वाइस कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर सेलेक्ट करिए एंड अर्शीद कुलकर्णी दोस्तों एज ए कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स बात करें तो फ्रेंड्स इंजर्ड की, तो दोनों टीमों के बीच कोई भी इंजर्ड पिट नहीं हुआ है। जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा फाइनल टीम होगी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई हो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट। वैसे ही आपके लिए और फैंटेसी टीम पर एक्सेल आता रहूँगा, तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली न्यूज वीडियो प्रेडिक्शन वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे पॉसिबल 11 चैनल की तरफ से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।